हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है ओव्यूलेशंस एंड ओवम ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स। इसका इंट्रोडक्शन तो है, वर्टिब्रेट के बीच मेल फीमेल गेमेट्स गेमेटोजेनेसिस के दौरान बनते हैं, जिसमें फीमेल को एक या दूसरे तरीके से निकटता में लाया जाता है, जहाँ क्रमशः स्पर्म सफल होते हैं, उनका यूनियन फर्टिलाइज्ड होता है। जब वे परिपक्व होते हैं तो वे अपनी संबंधित सेक्स ग्लैंड से मुक्त हो जाते हैं। दो टाइप की सेक्स सेल्स मिलते हैं और एकजुट होते हैं। एक और स्पर्म सेल की स्थापना मुक्त होती हैं, जिन्हें ओव्यूलेशन सेमिनेशंस के रूप में जाना जाता है। क्रमशः उनका यूनियन फर्टिलाइज्ड होता है। डायग्राम है सिल्वरी अ पार्ट ऑफ एम्फीबियंस ओवरी। सेकेंड पॉइंट है ओव्यूलेशंस एक ट्रांसपोर्ट। ओव्यूलेशंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओवा को ओवरी से बॉडी की कैविटी में डिस्चार्ज किया जाता है, और जहां से उन्हें ओविडक्ट के माध्यम से बाहर ले जाया जाता है। ओजेनेसिस के दौरान एक के परिपक्व के आवश्यक चरणों के माध्यम से नष्ट हैं और अपनी सभी वॉल्क जमा करने के बाद यह ओव्यूलेशंस के लिए तैयार है। कुछ एनिमल्स लगातार प्रजनन करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली सीजनल अस एनुअल स्पेविंग पेरिड होते हैं। ओव्यूलेशंस का टाइम सीधे एनिमल के ब्रीडिंग साइकिल से संबंधित होता है। ओव्यूलेशंस की प्रोसेस दो फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होती हैं, जिसमें से एक एनवायरमेंटल कंट्रोल है, जिसके परिणाम स्वरूप एनिमल एक वर्ष में एक बार संक्षिप्त अवधि के दौरान ओवुलेट करते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग एक अन्य नियंत्रण एक आंतरिक नियंत्रण है जो मौसम के लिए स्थापित करता है, न कि जानवरों को एक दिन में एक बार, हर 5 दिन में एक बार, महीने में एक बार या किसी भी अवधि में एक बार ओवुलेट किया जा सकता है। कैट फेरेट रैबिट में ओवुलेशन एक और नियंत्रण द्वारा नियंत्रित होता है, जो एक विशेष उत्तेजना है जो ओवरी से रिलीज को हटा देता है। इस प्रकार का नियंत्रण कुछ असाधारण मामलों में होता है, जैसा कि रैबिट एनिमल को प्रेरित ओव्यूलेशंस में ओलिस्टार्ज किए गए ओवा की संख्या एक या एक से भिन्न होती है, जैसे कि मानव या ह्यूमन और फाउल में हजारों फ्रॉक्स और यहां तक कि कई फिशेस में लाखों प्रजनन अवधि में कैटफिश की प्रजनन अवधि में दस लाख एक्स देती हैं, एक्स ही 50 लाख। थर्ड पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओवरी से बॉडी कैविटी से ओवा को छोड़ने की एक प्रोसेस है। मौसमी प्रजनकों में ओव्यूलेशंस वार्षिक प्रजनन अवधि के दौरान होता है, जबकि पॉलीप्रेडर में एक हो सकता है, जिसमें ओव्यूलेशंस का कोई निश्चित समय नहीं होता। उत्तेजना के लोअर मामल अनायास अंडाकार हो जाते हैं। खरगोश जैसे कुछ ने ओव्यूलेशंस को उकसाया है, केवल मैथुन के कार्य से प्रेरित हैं। मेंढक में परिपक्व ओवरी में लगभग 2000 एग्स होते हैं। ओवा का व्यास लगभग 20 मिलीमीटर होता है, जो विकास के दौरान बढ़ता है और इस प्रकार ओवा द्वारा विकसित होता है। ओवरी की सतह को स्थानीय रूप से उभारने के कारण बनता है। डिंब ग्रंथि की दीवार को स्टिग्मा नामक स्थान पर फैलाया जाता है, जो स्पष्ट है। शीर्ष पर एक वास्कुलर स्पोर्ट लिंक है, रोम की चारों ओर एना के भीतर की मोसलता फिर सिकुड़ जाती है और अंडा टूटी हुई जगह पर खुल जाता है। इस प्रकार पके हुए ओवा को सिलोम से बाहर निकाल दिया जाता है। ओवम के डिस्चार्ज होने के बाद कुक कोरिटेक्स बहुत छोटे आकार में हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक ओवा दो एग मेंबर्स से ढका होता है। विटेलिन या प्राथमिक एग मेंबर्स जो ओवा द्वारा संयम स्त्रावित होता है, कोरियोन या द्वितीयक अंडा मेम्ब्रेन ओवरी द्वारा सिक्रेट होता है। रेप्टाइल बर्ड्स मेमल्स में ओव्यूलेशन वर्टिब्रेट्स की प्रोसेस कुछ हद तक होती है। विकसित होने के बाद प्रत्येक ओवा धीरे धीरे ओवरी ग्लैंड की सतह को बाहर की ओर धकेलता है, जब तक कि यह एक संकीर्ण डंठल और पेडिकल के माध्यम से ओवरी की सामान्य शरीर की सतह से लीलामत नहीं हो जाता। ओवरी ग्लैंड की दीवार की मोसलता ओवरी की बाहरी सतह पर निर्भर करती है, अनुबंध के लिए प्रकट होती है और इसकी बाहरी सतह के साथ एक
लंबे संकीर्ण क्षेत्र एक सवर्णी बन जाता है जिसे कैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। स्टिग्मा धीरे धीरे चौड़ा हो जाता है और अंत में स्लिट विकसित हो जाता है जिसके माध्यम से ओवम को ओविडक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। मैमिलियंस ओवरी को जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा कवर किया जाता है जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा के एक द्रव्यमान घेरता है। विभिन्न चरणों के विकासशील एक स्ट्रोमा एम्बेडेड होते हैं। फोर्थ है द टाइम ऑफ ओव्यूलेशंस। ह्यूमन ओव्यूलेशंस और मेंस स्ट्रक्शन स्ट्रेटिन दोनों प्यूबेट्री के साथ स्टार्ट होता है। लगभग 28 दिनों के अंतराल पर आवृत्ति होता है प्रेगनेंसी के दौरान और राजनिकृति पर बंद हो जाता है। मेमल्स में ओवुलेशंस का टाइम मेनस्ट्रुअल पेरेट के बीच का टाइम है। ह्यूमन एग की एक श्रृंखला में यूटेरिन ट्यूब से प्राप्त किया जाता है। ओवुलेशंस साइकिल से प्राप्त किया जाता है। ओवुलेशंस के 10 से 20 दिनों में हुआ था। ह्यूमन में ओव्यूलेशंस को नेचुरल पेल्विक पेन से निकाला जा सकता है और बेसल टेम्परेचर में थोड़ा ऊपर की तरफ बदलाव के समय के साथ साथ एक यह निष्कर्ष निकाला सकता है कि ह्यूमन ओव्यूलेशंस के ब्लीडिंग डे की शुरुआत लगभग 14 दिनों में हो जाती है। अगला पॉइंट है फिफ्थ एग ट्रांसपोर्ट। ओव्यूलेशंस के दौरान एग ओवरी से बॉडी कैविटी में या सिलोम में जारी किए जाते हैं। सिलोम को पेरिट्यूनिज्म के साथ परिपक्व पंक्तिबंध किया जाता है। सिलिया के साथ एक पतली कोशिकीय परत इसकी सतह पर घूमते हैं। पेरिटोनियम की सिलियरी किया ओवरी के क्षेत्र से ओविडक्ट के इनफेंडिबुलम तक ओवा को स्वीप करने का कार्य करती हैं। कुछ पर्यवेक्षणों ने देखा कि मुक्त डिब लगभग विशेष रूप से मेमल्स में किसी भी वास्तविक अर्थ में बॉडी की कैविटी को प्राप्त किए बिना लगभग ट्यूब में सीधे गुजरती हैं। इस अवधि में ट्यूब के अस्तर की धड़कन सिलिया और ट्यूब की पेशी की दीवार में संबंधित तरंगों दोनों होती हैं। अंडे को ओविडक्ट में निर्देशित करने में फिर इसे नीचे की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया मार्ग डाउनवर्ड्स बहुत धीमा है क्योंकि एक एक पतला मेमल्स की ट्यूब का ओवरी के अंत तक पहुंचता है। सिक्स पॉइंट है वेबिलिटी एक एनिमल के एक की वास्तविक वेबिलिटी निश्चितता के साथ नहीं बताई जा सकती। यहां तक कि ह्यूमन के मामले में भी यह बताना मुश्किल है कि ह्यूमन एक स्पर्म प्राप्त करने की क्षमता को कितने समय तक बनाए रखता है और फिर विकसित करना शुरू कर देता है। लेकिन यह माना जाता है कि अवधि शायद एक दिन से भी कम समय का मानव कम मेमल्स में क्षमता की बात है। यदि मेमेलियन एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो यह ओविडक्ट एग यूरिन क्यूसेस में घट जाता है। सेवन्थ पॉइंट है क्यूसेस ऑफ ओव्यूलेशंस। ओव्यूलेशंस के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है लेकिन इसमें शामिल कारक शायद हैं जो विचाराधीन प्रजातियों के साथ काफ़ी भिन्न होते हैं। उपलब्ध साक्ष्य मांसपेशियों के संकुचन इंगित करते हैं। फ्रॉग रेट और कई वर्टिब्रेट्स में ओव्यूलेशन संकुचन द्वारा नियंत्रण होता है। इन एनिमल्स को ओवेरिस में रोम से जोड़े हैं। एंजाइम एक्शंस एक अन्य संभावित कारक जो ओव्यूलेशंस में सहायक होता है। एक एंजाइम का स्राव होता है जो पचाता है। ट्यूगोर विशेष रूप से एनिमल में एक प्रकार का कूपिक तरल पदार्थ आसपास के कूप में स्रावित होता है जो आंतरिक दबाव या ट्यूगोर के साथ कूप की दीवार के खिंचाव और उभार में बहुत वृद्धि करता है। हार्मोन एक्शंस ESH और LH जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स के स्राव से ओव्यूलेशंस होता है। इस प्रकार एक फीमेल फ्रॉग की बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड को इंजेक्ट करके ओवरी में एक होने पर किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है। न्यूरल कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड डीएनए फेलोन नियोपथेलेमस के उदर पक्ष पर स्थित हैं जो एडिनोडिपोकिसिस को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ केयरलिजिंग फैक्टर्स को संश्लेषित करता है। एट पॉइंट है सेमिनेशंस। सेमिनेशंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल स्पर्मेटिक फील्ड को फीमेल में छोड़ देता है। अधिकांश एक्वाटिक एनिमल में एक और स्पर्म को एक ही
समय और स्थान पर बाह्य रूप से छुट्टी दी जाती है या तो सेक्स सेल्स की बैठक काफ़ी हद तक मौका पर निर्भर करती है। कंक्लूजन है, ओव्यूलेशन मेमल्स की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो नेचुरल होती है। ओव्यूलेशन में ओवा की ओवरी से बॉडी कैविटी में डिस्चार्ज किया जाता है। यह सीजनल और एनुअल स्पेमिंग पेरियड होता है। इसका रेफरेंस है गैमेट बायोलॉजी बाय एस के गुप्ता।